नमस्कार भक्तों, कांवड़ मेले 2021 की बड़ी खबर। 2021 की तैयारी, परखेगा हरिद्वार, ऐसा होगा प्लान। और साथ ही साथ एक और नियम बनाया गया है, चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अब गंग नहर किनारे सेल्फी लेना पड़ सकता है भारी। जी हां दोस्तों, पुलिस का सख्त पहरा है। इस बार कोई भी सेल्फी वाहन नहीं ले सकता, अगर लेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए इस विषय में आपको पूरी जानकारी देते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए आप कहां पर रहते हैं और इस बार कहां कांवड़ ले जाने वाले हैं, तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कांवड़ यात्रा 2021 की सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो चलिए अब आपको देते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। देश और दुनिया में हरिद्वार की पहचान धर्म नगरी की है, जबकि 2021 के मार्च में कुंभ मेले में लाखों लोगों का सैलाब उमड़ा था। उत्तराखंड के सीएम का कहना है कि कांवड़ यात्रा 2021 और कांवड़ मेले के लिए मेला अधिकारी और आईजी तैनात किए जाएंगे, जिनके कंधों पर इसे कामयाब बनाने की चुनौती होगी। हालांकि कांवड़ मेले की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस के कंधों पर है, क्योंकि 2020 में इसी प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया था सबसे पहले, उसके बाद में और राज्यों की सरकारों ने ये फैसला लिया था। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि साफ सफाई से लेकर सड़कों तक को सुधार लिया जाएगा, वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी सतर्क रहेगी। हरिद्वार में किसी भी बड़े स्नान या मेले के मौके पर ट्रैफिक मैनेजमेंट दुरुस्त रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। हालांकि इस वक्त हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे का काम भी पूरा हो चुका है, ऐसे में प्रशासन को जहां कांवड़ियों के पैदल चलने की सुरक्षित व्यवस्था करनी है, तो पुलिस ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर भी स्मूथ रखना है। इसको लेकर हरिद्वार के डीएम ने कहा, लोगों को जाम से परेशान नहीं होना पड़ेगा और अगर हैवी ट्रैफिक होता है तो अल्टरनेट रूट खोले जाएंगे। प्रशासन के मुताबिक हाईवे पर कांवड़ियों के चलने के लिए अलग रूट बनाया जाएगा, जिसके कांवड़ पथ कहा जाता है। इसको लेकर सभी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले, गंग नहर की पटरी पर खतरा मोल लेकर सेल्फी लेने वालों पर पुलिस का पहरा रहेगा। सेल्फी लेने पर पुलिस जुर्माना भी लगा सकती है। सेल्फी लेते वक्त आए दिन हो रहे हादसों को देखते हुए पुलिस ने एक कदम उठाया है। वहीं कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, ऐसे में गंग नहर किनारे भीड़ के बीच सेल्फी लेते वक्त हादसे की आशंका बढ़ जाती है, लिहाजा पुलिस घाटों पर चेतावनी बोर्ड भी लगा रखी है। गंग नहर किनारे घाटों और सोलानी नदी पुल पर लोग अक्सर मोबाइल से सेल्फी लेते नजर आते हैं। कई बार तो लोग पुल के बीच बने स्लैब पर जाकर सेल्फी लेने लगते हैं, ऐसे में कई बार हादसे का खतरा बना रहता है। कई बार युवती पर लोग छींटाकशी भी कर देते हैं, जिसके बाद विवाद हो जाता है। ऐसी शिकायतें लगातार पुलिस के पास आ रही है। दूसरी ओर 25 जुलाई 2021 से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में खतरा और बढ़ जाएगा, लिहाजा पुलिस ने सेल्फी पर सख्ती का निर्णय लिया है। तो कांवड़ यात्रा 2021 की ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी हो सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।